हेलो दोस्तों, आइए हॉर्टिकल्चर के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो जान लीजिए हॉर्टिकल्चर क्या है। तो यह विज्ञान की एक क्या है, शाखा है। हॉर्टिकल्चर क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसमें खाद्य फसलों, फूलों, पौधों को उगाने से लेकर मार्केटिंग तक के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। मार्केटिंग तक के स्तर को क्या बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अब देखिए, गाजर, मूली, चुकंदर ये क्या है, जड़ है। गाजर एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। प्याज, लहसुन, शलकंद, आलू, अरबी ये क्या है, तना है। क्या है, तना है। प्याज जो है एंथोसाइनिन के कारण क्या होती है, लाल होती है। आलू सोलेनिन के कारण क्या होता है, हरा होता है। आगे नरेंद्र, सफेद वेलची, हरी छाल, बसराई कुमन ये क्या है, केला की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, केला की प्रजाति है। हापुस, अल्फांसो, आम्रपाली, सिंधु, गुलाब खास, नीलम ये क्या है, आम की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, आम की प्रजाति है। और आपको बता दें कि सिंधु आम की ऐसी प्रजाति है जिसमें गुठली नहीं पाई जाती है। क्या, जिसमें गुठली नहीं पाई जाती। आगे अंबरी, बिनौनी, सुनहरी रेड डिलीशियस, सुनहरी रेड डिलीशियस ये क्या है, सेब की प्रजाति है। किसकी, सेब की प्रजाति है। और सेब भी जो लाल होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। ओके, आगे अमरूद, आलू की उत्पत्ति स्थल कौन सा देश है, पेरू है। लीची, संतरा का उत्पत्ति स्थल क्या है, चीन है। आम, आंवला का उत्पत्ति देश कौन है, भारत है। खीरा में कुकरबिटेशन के कारण क्या होती है, कड़वाहट होती है। कुकरबिटेशन के कारण क्या होती है, कड़वाहट होती है। करेला में मेमोर्डिकोसाइट के कारण क्या होती है, कड़वाहट होती है, कड़वाहट होती है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। किसके कारण, कुरकुमीन के कारण होता है। आम, अमरूद, आम, अमरूद, अनार, आंवला, केला, पपीता में भारत क्या है, के उत्पादन में भारत पहला स्थान रखता है। ओके, तो आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू।